जो भी कुछ हम लोगों ने सीखा ना वो बहुत बहुत सब कुछ वहाँ से मतलब स्कूल एक्चुअली बोला जाए तो भट्ट साहब इंस्टीट्यूट थे वहाँ आशु वॉज मिठी भाई आई वॉज एन एम परेश माई सीनियर hmm. अगेन एन एम आमिर वॉज माई जूनियर अगेन एन एम सो so, मैं एक्चुअली इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता माई डैड ऑलवेज वन ऑफ द क्या कर रहा है तू तो? पढ़ाई कर रहा है तो साथ साथ में ये सब क्या करता है दस दस घंटे कॉलेज में पढ़ा रहता है एंड ऑल दैट घर माँ से ही बात कर सकता था बिकॉज वो अकेली समझती थी ये चीज़ें और वो हमेशा मुझे एंकरेज करती थी <laughs> आपको क्या मिला था पहली आ, <laughs> बार? बिल्कुल क्या बात कर रहे <laughs> सब थे हैं? है, सब हम लोग बीस बीस हजार हाई दिस इज दीपक तिजोरी एंड आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा

वाज मैं so, मैं माहौल नया थाचुअली मैं डांस करता था actually, मैं तो, uh, तो मैं तो कॉम्पिटिशन में डांसिंग तो करता था और वहाँ पे वो लोग ना बहुत सारे ये लोग सब थिएटर करते थे hmm. और एमेचोर थिएटर में वो लोग इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे उन दिनों में तो उस टाइम पे जो बातें होती है ना कि यार ये लड़का डांसर अच्छा है ये डांस अच्छा करता है उसका फोक डांस कॉम्पिटिशन में ऑफ रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल एक्टिविटीज बट नॉट फॉर थिएटर एन एक्टर सो आई डे द डायरेक्टर कम्स एंड इससे के यार मेरे को ना प्ले के अंदर एक ऐसा डांस आइटम चाहिए hmm. तो तू कर लेगा क्या मैं बोला हाँ मैं कर लूँ <laughs> मेरे को डांसिंग करना <laughs> है मेरे को क्या करना है सो दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्टेड वेयर यू नो देयर इज दिस अनदर डायरेक्टर फ्रेंड हु इज हु इज मेकिंग मुगले आजम दिस डेज

पुरा एफटीआईए जहां जाके जा ना कुछ फिल्में की बातें और ये सब करते थे बहुत तो आई वाज आउट ऑफ द ग्रुप आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट क्लान तो मुझे हमेशा लेफ्ट आउट फील होता था कि यार ये लोग फिल्में करते हैं फिल्मों की बातें होती है मेरे को भी करना है कुछ ना कुछ यू नो सो दैट इज हाउ दैट ग्रुप आई काइंड ऑफ यू नो बिकेम अ पार्ट ऑफ बिकॉज़ वो उस टाइम पे कॉलेज में ही

कहीं नहीं है तो उन लोगों को लेना देना नहीं था इस आर्ट फील्ड से बट समवेड वर्क ना कि मैं फोक डांस करना शुरू किया तो कहीं पे मुझे वो मेरी माँ की आंखों में ना वो स्पार्क दिखाई दिया कि उसकी वो इच्छा थी और वो हमेशा मुझे इंकरेज करती थी वो बोलती थी कि नहीं करो एंड यू नो माई डैड ऑल ऑलवेज वन ऑफ द गैस क्या कर रहा है तू पढ़ाई कर रहा है तो साथ साथ में ये सब क्या करता है दस दस घंटे कॉलेज में पढ़ा रहता है एंड ऑल दैट सो आई थिंक आई नेवर रियली फैंसी इट बट समवेर वैन आई सॉ दैट इमोशनल यू नो अप विच माई मदर रियली हैड हिडन थिंग दैट माई सन

घर आके माँ से ही बात कर सकता था बिकॉज वो अकेली समझती थी ये चीज़ें पर वो हमेशा मुझे इंकरेज करती थी मुझे नहीं भी मिला काम तो भी मुझे इंक्रेज करती थी और वहाँ से मुझे जो सपोर्ट मिलता था ना इसकी वजह से मैंने वो तीन चार साल मेरी जिंदगी के जो हार्ड कोर स्ट्रगल थे ना कि पैसे भी नहीं आना जॉब भी छोड़ दिया और फिर वो सब चीज़ें करना तो वो सारी चीज़ों को मैं सस्टेन कर पाया सो आई थिंक यू नीड

सो आई सेलवेज टू माई सेल्फ आई एंड बंदूक मत रखो यार बच्चों mm. पे, के यार इतने साल में नहीं हुआ तो तू वापस आ जा लड़कियों पे डाल देते हैं कि इतने साल में नहीं हुआ चल तेरी शादी करके तेरे को बैकअप कर देंगे सो आई थिंक ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना फॉर द किड्स हु कम फ्रॉम आउटसाइड विच इज अरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट योर चाइल्ड

And that she was very happy when I got Ashiki and then things changed for me. And then the first time she ever got, no, so that satisfaction the parent get you know, I think that was uh, beautiful. Oh yeah. my, but since beautiful. we are talking about yeah. this blockbuster film, hmm. my question to you is Deepak ji, this is Sochega Go back in time in the 90s. जब आप लोग बना रहे थे ये फिल्म, उनके पास गाने सेट होते थे <laughs> तो गाने कुछ बने हुए थे <laughs> तो उन्होंने इसके पहले एक फिल्म बनाई थी जो वीडियो फिल्म होती <laughs> थी लाल दुपट्टा मलमल का <laughs> उसमें मेरे दोस्ती था साहिल चड्डा और वो फिल्म उन्होंने बनाई और उसके गाने इतने ब्लॉकबस्टर हो गए तो उस टाइम पे ना उन्होंने सिर्फ गाने थे तो उन्होंने शायद भट्ट साहब से मिलके बोले यार मेरे गाने हैं उसकी पूरी कहानी बना दो सो दैट इज हाउ एक्चुअली व्हाट आई नो ऑफ इज हाउ आशिकी स्टार्टेड एंड भट्टा ऑफ कोर्स नोइंग भट्टाब भट्टाब इन यू नो इनकॉपरेटेड ऑल दोज सॉन्ग्स विद हिज ओन लव स्टोरी एंड दैट इज़ वेयर माई कैरेक्टर इज ऑल्सो रियल कैरेक्टर दैट वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड या हिज नेम पल्लू एंड आई मेट ने And he is a, he, he's a lovely man, you know. Mm -hmm. always is a brilliant man. Mm -hmm. So, Bhatsaab's best friend, and Bhatsaab was Rahul Roy, mm -hmm. you know, and uh, his uh, wife, then Kiran, yeah. Puja's mom, yeah. was uh, Anu. Mm -hmm. So, that is how the film actually started. It started off as mm -hmm. just a small, uh, maybe it could have been a television film for mm -hmm. that matter. That is all what we knew. But for me, it was a big break because mm -hmm. I was Charles with the struggle. वो मतलब ऑलमोस्ट उस स्टेज पे थे कि मुझे लग रहा था कि यार मुझे मतलब मैंने जो सर्टिफिकेट्स हासिल किए पढ़ाई लिखाई की, पढ़ा ही लिखा ही की अब वो वही करना पड़ेगा उसी को परस्यू करके उस पर काम हाँ। करना पड़ेगा एंड आई गेटिंग अ लिटिल विद दिस होल थिंग यू नो बट आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ ऑफ मैटर लक आई वुड से दैट मैंने पहले भट्ट साहब से मीटिंग करी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं बट फाइनली मेरे को वापस रेकमेंड किया गया रॉबिन भट्ट जो उनके भाई हैं इन्होंने मेरा काम कहीं देखा था और इसके अलावा अवतार गिल का मेरे को फोन आया कि तू जा साहब एक दोस्त का रोल है ढूंढ रहे हैं तेरे को ढूंढ रहे ठीक तो है दोस्त दोस्ती सही कर कम कम से कम भट की फिल्म ली थी ना हाँ। तो मुझे ये बात का तो पता था कि मेरा लॉन्च तो नहीं होना क्योंकि वो होता होता है ना कि बिकॉज आपने अगर कर, हाँ, कर लिया तो आप इंट्रोडक्शन में तो नहीं आएंगे फ्रेश so, वो fresh. तो है लेकिन yeah. फिर भी ऑब्वियसली वो एक डिजायर तो होता ही है कि यार मैं क्यों नहीं yeah. पर फिर जब राहुल को मिला और फिर राहुल के साथ में दोस्ती हो गई एंड देन यू नो आई आई एम अ वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ अ पर्सन सो फॉर ऑन दैट बेसिस आई जेन्यूनली बिकेम अ फ्रेंड ही बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड इट वॉज सो वंडरफुल कि yeah. हम लोग हंसते खेलते वो फिल्म बनाते गए और पता भी नहीं चला

कि हम लोग हर गाना जब हम लोग सेट पे शूट कर रहे हैं तो हम लोग मतलब लिटरली क्योंकि हम लोगों को उस टाइम पे ऑडियो मिलता नहीं था हाँ. कि हम अपने पास कैसेट रखे तो हम लोग एक्टर्स थे तो यू you नो know, कहीं स्लिप हो गया कहीं गाना बाहर निकल okay. गया सो so, समझो हम ऊटी में शूट कर रहे हैं तो हम लोग लोकेशन से ऊटी जाएंगे तब हम लोग ड्राइवर को बोलते हैं यार रेडियो एडियो मत लगा रहा अपने गाने लगा सो यू नो दैट इज द टाइम एन वी रियलाइज दैट वी लव आर ओन सॉन्ग सो मच सो दैट वी वॉन्ट टू हियर अगेन अगेन

बिकॉज हम लोग की भी लाइफ में मिजरीज चल रही थी और उस टाइम पर इतना रिलेट करते थे हम उस गाने से इट वॉज नॉट ओनली दैट सॉन्ग आई थिंक लेटर ऑन ऑल द दॉन्ग्स बिकेम सो सो इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट ऑल दैट वी डू इज लि टू दैट टेप अगेन एंड अगेन एंड वी वर वेटिंग कि यार ऑडियो लॉन्च हो तो हमको गाने मिले you, so, also you also know, mentioned part uh, there was a very unique way uh, that Mahesh Bhatt ji said that you know you decide ki kaun banega. I oh, want <laughs> <laughs> so, to know that story. really, मुझे ये जानना है. वो क्या है कि हम लोग actually मैं मेरे को जब पता चला था कि दोस्त का role है. हाँ. तो obviously भट्ट साहब उन दिनों में shooting कर रहे थे daddy film की. Okay. अच्छा. Pooja was the lead actress yeah. and uh, you know they were shooting in a villa and that time uh, मेरे कोई हम लोग क्या करते थे कि जब उस जमाने में स्ट्रगल कैसे होती थी कि भाई कि भाई मालूम पड़ा हम इस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो अभी उस डायरेक्टर के साइड पे जाके हम लोग अगर वो कोई और फिल्म कर रहा है तो hmm. so we right. so hmm. so उस टाइम पे जब हैंग अराउंड का दौर था तो हम लोग हैंग अराउंड करने जब मैं एक लोकेशन पे पहुंचा तो वहां पे राहुल भी था और राज ऑलरेडी एन एक्टर इन डैडी प्लेइंग

पर वो बट साहब जो है ना ही हीज दिस हैबिट ऑफ यू नो कि अच्छा ठीक है अभी मैं अब देखो अभी मस्ती करता हूँ सो ही जस्ट यू नो काइंड ऑफ यू नो टोल्ड फोर ऑफ अस ऑफिटिंग जिससे अभी मैं जा रहा हूँ शॉर्ट लेने अभी मैं वो फिल्म बना रहा हूँ रोमांटिक फिल्म है तो तुम चारों में से डिसाइड कर लो कि भैया हीरो कौन बनेगा और एक दोस्त कौन बनेगा सो ऑब्वियसली आई न्यू दैट आई वाज कॉल्ड फॉर अ फ्रेंड सो आई

तो वो सपना सुनाने के टाइम पे मेरे को इतना लंबा डायलॉग तो मेरे को बोला यहाँ से अपन कर रहे हैं ये शॉर्ट है तो मैं इधर कंफ्यूज हो गया मैं बोला यार इतना लंबा मेरे से करवा रहे हैं एक साथ में एंड देन यू नो ऑब्वियसली आई वाज रेटेड वार इट कि रीटेक होगा क्या होगा बिकॉज उस टाइम पर फिल्म होती थी जी। तो प्रोड्यूसर सिर पर खड़ा रहता था कि यार फिल्म वेस्ट मत करना मेरी बिकॉज उसके पैसे ज़्यादा होते थे <laughs> तो उस टाइम पर मैंने जब शॉर्ट दिया और वो पूरा ख़त्म हुआ शॉर्ट So actually, Bhatsab just got up. He came and he kissed my cheeks, and he just loved it so much that you know I was like, relax. It's okay. I kind of fulfilled. You know, I am happy that my director is convinced, and I he's very happy about. Was it. it all that you had imagined as a first film? No, not at all. In fact, uh, see, I I have gone through such a bad phase in those days, So for me, this was all like. Hmm. कि सही में ये हो भी रहा है या मैं इतने डायलॉग्स और इतने सीन्स में हूँ और hmm. ऐसे मतलब मेरे को ऐसा रोल मिला है right. और अब क्या रिलीज होगा क्या नहीं होगा पर वो मुझे जानना भी नहीं है बट द फैक्ट दैट यू नो फ्रॉम अ हेंचमेंट टू बी दिस वाज अ काइंड ऑफ अ जर्नी फॉर मी सो आई वाज मोर देन आई हैव गॉड आशिकी नाउ लीव इट टू गॉड

धान पेटी में वो ठीक है। लीकेश जी हीज़ ऑलवेज़ बीन लाइक थॉट, बट यू नो दैट होल केमिस्ट्री बिटवीन बोथ द ब्रदर्स इज़ एक्चुअली यूनिक। ओम्निया। वीज़ तू बी एक्चुअली यू नो काइंड ऑफ़ गेपिंग एट बोथ ऑफ़ देम, द वे दे हैंडल ही हैंडल्स प्रोडक्शन, बटसाब डजन्स गेट इनट� just the trailer of my Dole of zoki kahani yes. and he actually tweeted that you know that one uh, assistant one one person i can say that you know who has taken the baton forward yeah. and made something which i would have made it so many years ago oh, equivalent to that amazing. so you know he actually uh, always felt that i just wasn't just an actor i always wanted to do more hmm. because my editing from me bad jata

गो हैंग अराउंड देर देर अदर एक्टर्स यूज़ ऑल्सो कम एंड वो लोग जो स्क्रिप्टें बनाते थे कैसे बनाते थे तो हम लोग वहाँ पर पढ़े रहते थे सीखना तो बहुत कुछ था वहाँ पर तो लिटरली बोलता हूँ ना कि जो भी कुछ हम लोगों ने सीखा ना वो बहुत बहुत सब कुछ वहाँ से मतलब स्कूल एक्चुअली बोला जाए तो भट्ट साहब इंस्टीट्यूट थे वहाँ. वाँ वाँ। Hi, this is Deepak Tujori and you're watching me on Bollywood Hangama.